तो लास्ट हमने किए थे अब तो 17 सर बार। इसमें आंसर नहीं है, इसमें क्या कह रहे हो, आंसर नहीं है सर लास्ट में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर नहीं दिया हुआ है। ओके तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो आंसर की आ रही है आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो एक पेपर पे लिख के, ताकि क्या है इन केस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आपकी क्रॉस टैली वैसे उससे हो जाएगी। बाकी इसके अंदर आंसर के आई थिंक बने भी नहीं है, ये मैंने पूरा न्यू प्रिपेयर किया है नोट्स, है ना? चलो सर हाँ, क्या कह रहे हो? एन्यूटी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, उसमें एक डाउट था सर। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार उसमें सेंड कर देना ग्रुप में, तो मैं उस वक्त देख के कर लूंगा, है ना? आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ओके। चलिए, तो अभी ये पैटर्न जो अभी हमने किया था लास्ट, उसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड करना है या कुछ को एक्सक्लूड करना है, अभी ये पैटर्न था। तो इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 24। अ कमिटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इससे कमिटी बनानी है। फाइंड हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमिटी में, कैसे सॉल्व करोगे? सर गर्ल्स आर 3 सो बॉयज विल बी 4, सो वॉइस 4 सर, नाइन देयर विल बी 9 सी 4 सी 4 इनटू 4 इनटू सी 4 3 सी 3 एंड इनटू डिवाइड 5 बाय 0 4 9 एंड 13 आंसर सी आ 7। 13 सी 7 13 सी 7 से क्यों डिवाइड किया? कमिटी सर 5 0 4 504, ये बिकॉज हम आया था इसपे सर। प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, आप वहां ऐसा पे ही पहुंच था गए ना। हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाना है, नंबर ऑफ वेज बताना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इज 504। अब आता है नेक्स्ट पैटर्न। अगर हमें इसमें कोई ग्रुपिंग बनानी है तो कैसे करना होता है? इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि ग्रुप कौन सा पहले बन रहा है कौन सा बाद में बन रहा है, ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है, मतलब अरेंजमेंट नहीं करना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एम एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू एम ग्रुप्स। तो एम एन को हमें क्या करना है, एम ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो उसका एक सर्टेन फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, वो क्या है, एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ एम एंड देन मल्टीप्लाई बाय एम फैक्टोरियल। पहले एक बार ये ट्राई करके देखते हैं क्या करना है इसमें। द नंबर ऑफ डेज 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 12 जने हैं, इक्वली डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में। पहले ग्रुप कौन सा, दूसरा ग्रुप कौन सा, डजंट मैटर। तो इसका मतलब ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या लगता है कैसे करना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, एम ग्रुप्स होना चाहिए। तो कितने ग्रुप्स हमारे पास, 3। तो एम की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी, 3। थ्री एम एन, एम एन कितना दे रखा है आपको, फोर नंबर ऑफ बेस ऑफ 12 स्टूडेंट, ट्वेल्व 12। तो एन कितना ट्वेल्व होगा ऑटोमेटिकली, 12 डिवाइडेड बाय 3, 4। फोर तो एम 3 है, एन 4, एम एन 12। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल पावर पावर ऑफ थ्री 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3।
ऑप्शन नंबर ए 577। ऑप्शन ए यस सर। आ रहे सबके? गुड यस सर। नाइट। 27। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिवाइडेड इक्वली अमंग फोर प्लेयर्स? तो 52 क्या है? एमएन। सर इक्वली अमंग फोर प्लेयर्स, तो ग्रुप कितने बनेंगे? फोर। तो फोर क्या हो एमएन गया आपका? एम। एन एन कितना ट्वेल्व होगा? थर्टीन। थर्टीन थर्टीन। अब लगा दो फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर बी। बी देन 28। द 150 स्टूडेंट्स टेक एडमिशन। दे आर टू बी पुट इन थ्री सेक्शंस ए बी सी ऑफ इक्वल साइज। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। ऑप्शन ए ऑप्शन ऑप्शन ए। चलो ये पैटर्न समझ में आ गया। अब लिया नेक्स्ट आता है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम आती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस फॉर्म बाय जॉइनिंग एन पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन ऑफ विच एम आर कोलिनियर। क्या कहना चाह रहा है ये कि एक प्लेन में, मतलब ये एक एरिया है जिसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है हमारे पास? एन पॉइंट्स है। उसमें से एम आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए लाइन यस, जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। अब मान लो हमने कह दिया कि तीन पॉइंट्स जो है वो हमारे एक लाइन में लाई कर रहे हैं, देन कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है? तो हमने कहा लेट से देर आर नाइन पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड आउट ऑफ विच थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको ये बताना है कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, वो क्या है? एन सी टू माइनस एम सी टू प्लस वन। तो एन सी टू मतलब नाइन सी टू माइनस थ्री सी टू एंड देन प्लस वन। सॉल्व 34 करके देख लो कितना, 34 34। 34 या 44? 34 सर। 34। सो 9C2 के लिए क्या करना है? 9 इंटू 8 अपॉन 2। 3C2 इज 3 एंड देन प्लस 1। तो ये आ गया आपका 34। ये तो गया स्ट्रेट लाइन के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म। कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं यूजिंग द पॉइंट्स? अगर सिर्फ इतना ही बोला कि ओनली ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपको? थ्री थ्री पॉइंट्स थ्री चाहिए होते हैं। अब मान लो आपके पास प्लेन में फाइव पॉइंट्स है, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? फाइव सी टेन सी थ्री 5C3 दैट इज 10, 10 बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने कहा इन इनमें से आउट ऑफ दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर,
तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स को माइनस लीनियर है करना पड़ेगा उसको नाइन। माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन सी थ्री माइनस एम सी थ्री, तो 5C3 माइनस 3C3, बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, जो पॉइंट्स कोलिनियर है उसका ट्रायंगल हम बना ही नहीं सकते, तो 10 माइनस 1 दैट इज, पूछो। सर एक डाउट था सर, सर ये 3C2 का सर 6 होगा ना यहाँ पर पहले वाले में सर। 3C2 ये परम्यूटेशन नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, अगर आप 3C2 लिखते हो 3 × 2 अच्छा अपॉन हाँ सर 2 समझ इंटू गए। 1 3 यस सर है ना, 6 नहीं होता है। चलो ये हो गया। फिर आता है नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन, कि पॉलीगन में कितनी डायगनल्स बन सकती है। अब जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में पता है कितनी डायगनल होती है, टू टू होती टू है बस। तो क्योंकि एक रेक्टेंगल हमें पता है, लेकिन अगर मैंने बोला देर इज अ डेकागन, डेकागन मतलब वो 10 साइड है। यस टेन साइड टेन टेन साइड साइड है। अब अगर 10 साइड है तो डायगनल कितनी बनेगी, फाइव नाइन, नो सर फाइव फाइव से कैसे बेसी बनेगी, होगी सर साइड तो सर 10 है। अप्रोक्स 10। तो यस सर अब टेन उसके लिए बनेगी। क्या करना है, एक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, क्या फॉर्मूला है, एन सी टू माइनस एन, एन सी टू माइनस एन। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, 10 है तो 10C2 माइनस 10 कितना आएगा, 35 5, इतनी डायगनल्स बनेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो एक साथ में लिखे, और ये बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। फोर्थ, इफ एम पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ अदर एन पैरेलल लाइंस एंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स सो फॉर्म विल बी, जैसे हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, A1 2 3 4, फिर हमने कहा वर्टिकल भी कुछ पैरेलल लाइन है, 1 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं इनसे, तो हमने कहा रोज कितनी थी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी, 4, एंड वर्टिकल एन, एन कितना है, 3। थ्री तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो डायग्राम के हिसाब से कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और कितनी वर्टिकल लाइन चाहिए एक पैरेललोग्राम के लिए, कितनी, दो दो, वर्टिकल और टू यस, हॉरिजॉन्टल टू लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन टू वर्टिकल, तभी तो क्या बनेगा हमारे पैरेललोग्राम बनेगा, तब दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल में स्ट्रेट हो गया स्लैंटो, लेकिन हमें दोनों वैसे चाहिए, तो इसका मतलब एट अ टाइम हमें टू सिलेक्शन करने हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड टू सिलेक्शन करने हैं फ्रॉम वर्टिकल। तो क्या करेंगे, एम सी टू मल्टीप्लाई बाय एन सी टू, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास 4 लाइंस है, तो 4C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2, और 4C2 कितना होता है, 6, 3C2 is 3, रिजल्ट विल बी 18। तो 18 पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं। ठीक है, देन गिवन एन पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है पता है, सर एरिया एरिया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो आउटर लेयर
यस बाउंड्री ऑफ बिल्कुल, जो सर्कल। बाउंड्री है एग्जैक्टली, तो सर्कल की बाउंड्री उसको हम बोल देंगे क्या, सर्कमफेरेंस। सरकमफ्रेंस, ये हमने बना दिया सर्कल। सरकमफ्रेंस, अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन ने बोला कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है, तो क्या आंसर करेंगे? टू हाउ मेनी स्ट्रेट सर, लाइन्स कैन बी फॉर्म? टू फोर टू सर, फोर टू सर, टू होगा, टू और कोई सिक्स आंसर? हाँ सिक्स 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 सिक्स, तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, 2, 4, 6। तो इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं, ये हो गया आपकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 6 लाइंस कैन बी फॉर्म, लेकिन हर वक्त हम बना के नहीं देख सकते, तो दो एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना जरूरी है। तो 4 पॉइंट्स है हमारे पास, उसमें से 2 पॉइंट्स एट अ टाइम विल बी टेकन, तो 4C2 दैट 6। तो स्ट्रेट लाइन जहां भी है आपका फॉर्मूला हो गया NC2। अब क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म, तो ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको? 3 पॉइंट्स, थ्री तो NC3। पॉइंट्स अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? चार चार, फोर चार, तो NC। कितने फोर पॉइंट्स लेने ही रियल काम हो जाएगा। थर्टी टू, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग 8 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज, 28 कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? ऑप्शन ऑप्शन बी बी 28 8C2, 16, ये होगा ट्वेंटी28 ऑप्शन एट 28 28 क्योंकि 8C2 सर। है। थर्टी थ्री, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 of which लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्या करेंगे? 185 185। क्या बात, आ गया आंसर, कैसे निकालेंगे तुम? 12 सर, 12C3 -7C3। यस, तो पहले आपने 12C3 कर लिया, नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में है उनसे नहीं बन पाएंगे, तो -7C3। देन 34, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट द 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो इन शॉर्ट 5 पॉइंट्स कोलिनियर है 18 में से, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? एटीन क्या करते हैं, 18 सी सी टू टू माइनस माइनस 5C2 5C2, 144 और कुछ करना है? प्लस प्लस वन 1 एग्जैक्टली, तो कितना 144 आया। यस सर यस सर। सर 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑप्शन 33 का कितना ए फाइव। निकाला था, 185 निकाला था, यस सर यस सर। ये वाला। चलो ये सारे सिमिलर सिमिलर। 37, द नंबर ऑफ डायगनल्स इन ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब ऑक्टागन एट मतलब साइड, एट एट साइड साइड, एट साइड है, तो 8 साइड है, तो कितनी डायगनल बनेगी? 28 एट 28 सी एट टू सी टू 28 सर। 8C2 -8, तो 8C2 पहले निकाल लो,
एट इंटू सेवन अपॉन टू और उसमें से माइनस 20। एट 20। डेकागन वाला हमने कर ही लिया था अभी ऊपर 35 आया था। देन 39 उल्टा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स इज 9। तो 9 डायगनल्स दे रखी है, तो ये कौन सा पॉलीगन है? ऑक्टागन, डेकागन या हेक्सागन? ऑक्टागन का आंसर अभी हमने देखा 20, डेकागन का देखा 35, हेक्सागन का कितना होता है? हेक्सागन? ये सर हेक्सागन का 9 होता है। सर 6 हुआ। यस। फिर 40 वाला भी हमने कर लिया। फोर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन देन नंबर ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच कैन बी फॉर्मड। तो क्या आंसर निकला था? एटीन 18। एटीन चलो फिर आता है नेक्स्ट 41। 41 में क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज टू परचेज वन और मोर बुक्स फ्रॉम फोर बुक्स बाय स्टूडेंट आर। तो हमें कितनी परचेज करनी है, वन या मोर? तो वन भी हो फिफ्टीन सकती है, टू, थ्री, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? फोर, है ना? तो फोर इसके लिए या तो हम वन सेलेक्ट किया तो 4C1, टू सेलेक्ट किया तो 4C2, थ्री किया तो 4C3, फोर किया तो 4C4। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो, आ जाएगा आंसर। क्योंकि 4C1 कितना होता है? फोर। 4C2 कितना होता है? सिक्स। फिर 4C3 फोर एंड 4C4 वन। फिफ्टीन तो टोटल कितना हुआ? 15। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इसका एक और तरीका होता है, दूसरा भी होता है सॉल्व करने का, वो है 2 to the power of n minus 1। n कितना है? 4 बुक्स है, की पावर 4 माइनस 1, 15। तो ये इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट वे है। तो 42 भी इसी पैटर्न का है। अ मैन हैज 5 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड टू डिनर? 31 31, फिर से 31, तो भी 2 की पावर 5 माइनस 1, 31। अब है आपके पास थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस। फोर्टी 43, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवल्स। तो क्वेश्चन किसका है? वर्ड बनाना है, ठीक है? एंड वर्ड बनाने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से लेटर्स हमें यूज करने हैं। तो 12 में से कितने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं? 4। तो क्या करेंगे? 4 12 C4 सी ऑप्शन ए 12C4 ए ऑप्शन ऑप्शन फिर क्या करोगे उसके बाद? 5C3 5 C3 5C3 वॉवल्स एंड क्योंकि इनसे वर्ड बनाने हैं तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देन चलो ये सारे पैटर्न हमने मॉर्निंग में भी किए थे, अब वैसे ही हैं। अब एक केस बनता है इसमें, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। वन थिंग शुड ऑलवेज अकर, एक चीज हमेशा होनी चाहिए। तो ये उसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। बट अगर दूसरा कहना है
इफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट टाइम एंड वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर, वो अकर होनी ही नहीं चाहिए. तो फर्स्ट केस था ऑलवेज अकर एंड सेकेंड केस है नेवर अकर. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है 46. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर. तो एक पर्टिकुलर चीज हमेशा होनी ही चाहिए, तो क्या करोगे? 9P3 नाइन पी इनटू फोर थ्री थ्री इनटू फोर इनटू 201 इनटू थ्री इनटू फोर इनटू फोर 4 कितना आएगा? 2016 2016 या 14? ये तो 16 16 16 16 47. The number of permutations of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs. 3024. 3024. तो never occur है तो 10P4. तो 3024. तो 9P4 होगा ना? तो 9C4 होगा. हाँ 9C4 होगा. 10 माइनस 1 करना था हमें. 9P4 फिर आता है नेक्स्ट स्टेप का. नंबर ऑफ डिवाइजर्स of n equal to 38808 except 1 and n is. तो कितने इसके डिवाइजर्स होंगे ये बताना. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इस नंबर क्वेश्चन ऑफ का मतलब क्या डिवाइजर्स हो? बताना है. एक बार सोच के देखो, ट्राई करके देखो. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ये कह रहा है? कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ये समझ लो. डिवाइजर्स मतलब कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट वन एंड एन, इसको छोड़ के कितने फैक्टर्स होंगे ये बताना है. सेवेंटी टू टू लेकिन उसमें से उसने क्या बोला? एक्सेप्ट वन एंड एन. वन एंड एन को हटाना पड़ेगा, दो को हटाना है. 70 तो उसमें से माइनस 70 कर दो. तो आपको इसके लिए क्या करना होता है 70 कि सबसे पहले आपको इसका जो एलसीएम होता है ये वाला निकालना पड़ता है. 3808 है जैसे. अब आप इसको पहले डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आया? 19404. फिर आपने 2 से किया कितना? 9702. फिर 2 से किया 4851. अब किससे होगा? 3 से होगा क्या? 1617. फिर वापस 3 से हो जाएगा कितना? 539. अब 3 से नहीं हो रहा है, अब किससे होगा? 7 से हो जाएगा 77. एक बार और 7 से होगा 11. और अब 11 से हो गया. तो इसका मतलब अब आपके पास क्या है? 2 की पावर कितनी है? 3. 3 की पावर कितनी है? 2. 7 की पावर कितनी है? 2. 11 की पावर कितनी है?
वन, ठीक वन है। अब नीचे वाली सारी वैल्यूज को भूल जाओ, अब आपको सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज देखनी है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ऊपर वाली वैल्यूज में क्या करना है, प्लस वन, थ्री प्लस वन, टू प्लस वन, टू प्लस वन एंड वन प्लस वन, इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 2 72, सो इन टोटल देर आर 72 डिवाइजर्स। बट अगर आपको एक्सक्लूड करने हैं दो नंबर तो दो हटा दो, तो आंसर इज 70। सर ये क्या बोलते हैं, इसमें अगर 3 8 0 8 से हमने डिवाइड किया सब ऑप्शन को तो 72 आता है, एंड देन उससे माइनस किया 2 तो वैसे हो सकता है। सर पहले माइनस किया तो हमने 3 8 8 0 8 को डिवाइड किया सब ऑप्शन से तो 72 से ही वो डिविजिबल हो रहा था, फिर उससे हमने 2 माइनस कर दिया अगर ऐसा ऑप्शन है एक्सेप्ट 1 एंड एक्स, हाँ, क्योंकि वन तो एंड लाइक एक्स हम तो उसके फैक्टर। डिवाइजर है, मतलब जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर ये होता, अगर क्वेश्चन में ये होता 120, आसान क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 120 को आपने किया 2 से डिवाइड, 60 आया, फिर 2 से किया 15 आया, 3 से किया 5 एंड 5 से किया 1, तो 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो क्या आंसर होगा आपका, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, तो 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, ठीक है। अब अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं इसके, कैसे, 1 × 120 या और क्या लिख सकते हैं, 2 × 60, 3 × 40, 4 × 30, 24 24, 6 × 20, और कौन से फैक्टर्स होंगे, 8, 8 × 15, 15 10 फिर 10 × 12, बस आगे और जाओगे तो 12 × 10 मतलब वापस वही हो गए, तो कितने फैक्टर्स हो गए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे काउंट करके भी आप निकालोगे तो आंसर कितना है, 16। लेकिन छोटे क्वेश्चन में तो आप ऐसा कर भी सकते, बड़े क्वेश्चन में कितना करोगे, 72 जब आपका आंसर आ रहा है तो 72 टाइम्स अगर आप लिख के करने लग गए तो 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही छूट जाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये शॉर्टकट लिखा गया है, तो ये शॉर्टकट से आप फटाफट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, और कुछ हटाना है तो उसको माइनस कर दो तो आपका आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो इस पैटर्न में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 हो जाएगा। फिफ्टी वन, इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 persons, इफ ईच पर्सन शेक हैंड विद ईच अदर, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी, कितनी हैंडशेक, 28 28 कितना, 28 28। तो क्या करना पड़ेगा, एक जना दूसरे से हाथ 8 सी मिलाएगा, टू तो इसका मतलब 8 दो सी जने का टू टाइम चाहिएंगे, तो यस 8C2 या 8 सी 8P2, 8 सी टू 8C2, बिकॉज इसमें अरेंजमेंट का कोई यूज नहीं है, सो 28 हैंडशेक्स विल बी देयर। 52 उल्टा क्वेश्चन है, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स, इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 66 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस, 12 12, तो इसमें 11 क्या था, NC2 इज 66, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा ऑप्शन रखें जिससे आपका 66 आ जाए। अगर आप 12 रखते हो तो 12 × 11 अपॉन 2 × 1,
आ गया 66, सो देयरफॉर 12 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, 54 कर लेते हैं। अ क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी एंड ईच पार्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, केसेस बनाने पड़ेंगे। ए पार्ट में से कितने कर रहे हैं और बी में से कितने कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच पार्ट। तो अगर ए में से 2 सेलेक्ट किया है तो बी में से कितने करने पड़ेंगे, 4। फोर ए में 3 है तो बी में, थ्री ए में 4 बी में 2, ए में 5 बी में 1। नॉट पॉसिबल, सर एटलीस्ट 2 बोला नहीं, नॉट है पॉसिबल, है ना, क्योंकि कोई बी के बोला अंदर 1 नहीं कर सकते, 2 तो एटलीस्ट करना ही है। तो दैट मींस ये ही 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब वन बाय वन तीनों को सॉल्व कर लो। फर्स्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, 5C2 × 5C2 इंटू 5C4, फोर फिर 5C3 एंड 5C3, 4C3 एंड सॉरी 5C4 एंड 5C2। अब इन तीनों के बीच में क्या करेंगे, प्लस या मल्टीप्लिकेशन एडिशन, एडिशन आ जाएगा आंसर 200। 200। पहले आया 50, 150, टोटल इज 200। दैट्स इट। तो चैप्टर हो गया आपका फिनिश, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल शुरू सर करेंगे। इसमें से मेजर क्वेश्चन हाँ कौन, मेजर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर, इसमें मेजर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर? टीवीएम से आते हैं मैथ्स के अंदर मेजरली, स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन एंड द थ्योरी सर वाला मैं पार्ट। इस चैप्टर की बात करूँ, मतलब इसमें से मेजर वो तो लाइक हर बार मिक्स रेगुलरली एंड कौन मैच, ये जैसे ऐसा मैथ्स इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है।